अलावा दुकान चला रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे भाई है, बहुत से मित्र है। तरफदारी मत कीजिए अब। अरे ओ संजय चा, थोड़ा सा कम चिल्लाइए ना, तो टॉन्सिल जानते हैं बाहर आ जाएगा, मुंह के बाहर फेंक देगा ना, तो फिर वो बोले लायक नहीं रह जाएंगे आप, समझे? मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार पटना भैया। नमस्कार प्रणाम, मैं शबर प्रताप सिंह मगहिया जवान से, और इस वीडियो को आप मगहिया जवान पेज पे ही देख रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं तो भोजपुर से है ही नहीं है, वो तो मगही से है, गया से है, पता नहीं। संजय चाहे कौची मिर्ची कौची कायल लग रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि आप सबको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। दरअसल संजय चा का वो वीडियो था जिसमें वो बकबका रहे थे बहुत मगहिया जवान को लेके। उसके बाद गौतम भैया थोड़ा सा कुछ नीचे से मिर्ची लगा दिए। भरोसे वाला थंबनेल मत लगाया कर, मगहिया जवान क्या गौतम सिंह का हो, समर सिंह का हो, फिर से कह रहे हैं चादर मोद और भरोसे वाले, विवादित हेडलाइन और बाप का थंबनेल मत यूज किया कर, समझा कि नहीं? सवाल करना रहे जैसा करना रहे वैसा किया कर। तो संजय चा भी बुखलाए लगा, और जहाँ जिससे भी इंटरव्यू ले जा रहा है तो संजय चा एकदम तिलमिला आ जा रहे हैं मगहिया जवान के, एक तो मगहिया जवान के नाम लेके और सारे जगह सवाल करते हैं, और अगर इनके बारे में मगहिया जवान कुछ बोल देता है तो इनके पिछवाड़े में मिर्ची लग जाता है, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले देखें, अगर नहीं देखे हैं थोड़ा सा और देख लीजिए। मगहिया जवान दुकान चला रहे हैं ना? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे भाई है, बहुत से मित्र है। तरफदारी मत कीजिए अब। अब बताइए कि संजय चा को ऐसा करना चाहिए? संजय चा को बात बताइए आप हमको कि एगो रिपोर्टर का काम ऐसे चिल्ला चिल्ला के रिपोर्टिंग करना होता है? अगर हम बढ़िया से अगर रेल दिए तो आप रिपोर्टर ही नहीं, पता ना आओ का बन जाइएगा। जैसे इनका काम, मतलब कि संजय चा का काम पहले पता है क्या था? कैमरा ढोना, मतलब गंगा न्यूज और आरती न्यूज का माई आरती न्यूज वाला पकड़ता था, अभी सदिया बिहार वाला बड़का कैमरा लेके वैसे कंधवा पर रख के ढो भी चलते थे, घुरा भी चलते थे और दौड़ी चलते थे कि मतलब न्यूज हाईलाइटेड में जाए। लेकिन अब वहां से शायद इनको निकाल दिया गया है जैसा कि हमको लग रहा है, या फिर चाहे तो इनको ही खराब लग रहा होगा कि भाई इतना एज हो गया है हमारा, अब इतना एज होते के साथ हम कैमरा ढो रहे हैं। खैर, ये निर्णय आपका हमको बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि आदमी को ना अपने बलबूते पे खड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ भी लगता है कि आपका बलबूता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारा एक फिल्म का कॉन्फ्रेंस और आप वहाँ पे आए थे और हम ही आपसे सवाल जवाब करने लगे थे कि चाचा एगो बात बताइए, भोजपुरी में अश्लीलता वश्लीलता यही सब को लेके आपसे सवाल कर चुके थे, तो आप अपना बेटी और माई का कसम खा के कहने लगे कि आज के बाद से भोजपुर में अश्लील नहीं बजे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फाड़ देंगे कबाड़ देंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि आप ही हमको भी ट्रोल कर रहा है। लोग बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ तो हमको भी ट्रोल कर रहा है। इस अश्लील कलाकार के पास इंटरव्यू ले पहुंच जा रहे हैं, हम अगले जमाने के ऊपर से विरोधो करते चल रहे हैं, ये सब ठीक नहीं लगता है चाचा। एगो एज है, समझे? एगो एज के पास आके आदमी को रुक जाना चाहिए, कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं होते हैं तो खुद का परिवार का घाटा है, जैसे कि तो टॉन्सिल जानते हैं बाहर आ जाएगा, मुंह के बाहर फेंक देगा ना, तो फिर वो बोले लायक नहीं रह जाएंगे आप, समझे? कल के डेट में चिल्लाने वाला कौन रहेगा? लगभग 50-55 अभी हो ही गया होगा, मुश्किल से 10-12 सलाह माइक ढोगेंगे, वो करवा दी सब स्क्रीन उस्क्रीन सब झूल जाएगा, कौन थामेगा माइक और कैमरा जी? इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा शब्दों का मर्यादा रखते हुए और एक मीडिया वाला का काम क्या होता है उसको देखते हुए काम कीजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लगेगा। हर बार हर इंटरव्यू में व्यू आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मगहिया जवान ही मिलता है, हैं? अगर गाना को प्रमोट करना ही चाहते हैं तो जाइए कोई बढ़िया गाना को प्रमोट कीजिए, बार बार अश्लील कलाकार के पास कहां पहुंचते हैं? वही कलाकार के पास कहां पहुंचते हैं जो एकदम कैमरा के सामने ही गाली देने लगता है? कम से कम मगहिया जवान तो ऐसा नहीं ना करता है। अबे वो तुच्छ मानव तुच्छ प्राणी संजय, थोड़ा सा समझो चीजों को कि एक समय में कसम खाए थे अश्लीलता को लेके, और आज वही अश्लील कलाकार के पास उसका गाना प्रमोशन करने के लिए पहुंच रहे हो। भगवान जब सजा देगा ना तो बढ़िया से देगा, पिछवाड़ा में से कुल बत्ती निकाल देगा, फिर रखे रहना अपना माइक और अपना कैमरा अपने हाथों में, हाँ मतलब हाथों में ही, हम कुछ और ना बोल रहे हैं। हमको लगा कि इस विषय पे बात करना चाहिए और थोड़ा सा आपको समझाना चाहिए, हो सकता है कि समझ जाइएगा, बाकी हमारा क्या लीजिएगा, हमारा तो नाम है ब्रांड है मगहिया जवान, और मगहिया जवान के नाम लेके लोग ब्रांड बनना चाहते हैं, लेकिन वो नामुमकिन है। बाकी नमस्कार प्रणाम, जय मगध जय बिहार।